हेलो गाइस, माय नेम इज आरके यादव। अपना डेटा एडवांस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस वर्ड के होम मेनू में क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे बिन वर्ड WINWORD। ओके पर क्लिक करेंगे या एंटर पर क्लिक करेंगे। हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हमें फॉर्मूला बार अपनाना पड़ेगा। रैंडम फंक्शन इज इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा तीन लाइन का पैराग्राफ इंसर्ट होके आ गया है। अब हम सबसे पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। माउस से हम तीन बार सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, एक दो तीन, ये हमारा सिलेक्ट हो गया है पैराग्राफ। अभी हमारा कट, कट का मतलब है ये हमारा जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है कट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। जैसे हम कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे, हमारा कट हो गया है, गायब हो गया है। कट किया हुआ पैराग्राफ या टेस्ट जो बोलते हैं वो हमारा किस में जाता है, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड हमारा ये है, इसमें हम शो, ये हमारा शो हो रहा है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट की शॉर्टकट ये है कंट्रोल के साथ ओवी, ये हमारा पेस्ट है। यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ ओवी, और यहाँ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड में। ये लिखा है पेस्ट और डिलीट। यहाँ से हम पहले हम कर्सर यहाँ रखेंगे नीचे, हम पेस्ट करेंगे, ये हमारा पेस्ट होके आ गया है। अगला है हमारा कॉपी। पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, एक दो तीन सिलेक्ट हो गया है, हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, कॉपी हो गया है। और इसको हम यहां से भी, ये जो कॉपी हुआ है यहां से भी हम पेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हम शॉर्टकट की से कंट्रोल के साथ वो भी पेस्ट करेंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया है। अब हमारा अगला है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए हमें पहले हम टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसे टेस्ट का कलर देंगे, इसको हम बोल्ड करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, यहां से हम पेस्ट स्पेशल पर जा सकते हैं, या शॉर्टकट की से कंट्रोल ऑल्ट भी, या ऑल्ट कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। ये हमारा पेस्ट स्पेशल का फंक्शन खुलकर आ गया है। सबसे पहले हम कर्सर को नीचे लाएंगे। ये लिखा है कंप्लीट, यहां पर हम लाना है। उसके लिए हम फिर से और कंट्रोल भी करेंगे, पिक्चर विंडो मेटाफाइल्स पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा यहां पर शो हो गया है। जैसे इसमें कलर है वैसे ही सेम यहां पर
सो हो गया है, इसी को बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। हम फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, फिर से हम कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया हमने। अब हम इसको यहां पर हम नीचे ले आएंगे। अगला हम फिर से जाएंगे और कंट्रोल भी, या यहां से माउस से इस पर क्लिक करेंगे। ये लिखा है अनफॉर्मेट टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा इस पे पहले कलर था और इस पे कोई कलर नहीं है और ना ही कोई बोर्ड बोल्ड है, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में है ये। अगला है हमारा, पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अभी लिखा है पहले हम टेस्ट को कर्सर यहां पर नीचे रखेंगे, जब हम कर्सर नीचे ले आए हैं, ऑल कंट्रोल वी। अभी हमारा पेस्ट लिंक शो हो गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। वही लिखा है फॉर्मेट टेस्ट RTF, इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा ये ऊपर वाला टेस्ट पैराग्राफ है वो नीचे यहाँ शो हो गया है। अब हम कोई हम टाइप करेंगे यहाँ पर, जैसे वेलकम, W COM, वेलकम लिखा है हमने। यहां भी नीचे शो हो गया है। हमें कलर चेंज करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कलर हमें ग्रीन रखना है। यहां भी नीचे ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया है। अगला है हमारा पेस्ट एज हाइपरलिंक, इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे, नया हम एमएस वर्ड विंडो लेंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे रैंडम फंक्शन इक्वल टू RAND। अब यहां पर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, हम यहां पर 5 लाइन का पैराग्राफ लेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। यहां पर हम टाइप करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर अब इसको हम सेव करेंगे। कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे। इसी के नाम से व्हाट इज कंप्यूटर के नाम से सेव करेंगे, डेस्कटॉप पर फाइल नेम में लिख दिया है, ऑटोमेटिक आ गया है इसमें, इसको हम सेव कर दिया है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, पहले
तभी हमारा फॉर्मूला काम करेगा। कॉपी कर लिया हमने, हम फिर से नया पेज लेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और इसको हम पेस्ट करेंगे। कंट्रोल के साथ भी हमारा पेस्ट हो गया है। हम इसको पेस्ट है हमारा, ये हाइपरलिंक हाईलाइट हो गया है, सो हो गया है। इस पर हम क्लिक करके तब भी यहां पर इस तरह का आ जाता है, यहां पर हमारा टेस्ट कॉपी होकर और यहां पर हम कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? क्यू। इसको हमने कॉपी किया, सिलेक्ट किया सॉरी, अब इसको हम कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे। इस पर हम क्लिक किया, हट गया था वो। और यहां पर कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे, ये हमारा हैंड बनकर आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे माउस से, तुम्हारा यस का ऑप्शन आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे यस पर, तो हमने जो पिछली विंडो पर हमने काम किया था फाइल पर, वो हमारा सारा यहां पर शो हो गया है। अगला है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट किया है कंट्रोल शिफ्ट सी। इसको हम पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ को ये हमने सिलेक्ट किया, इसको हम पहले हम कलर देंगे, ये हमने कलर दे दिया है। अब हम इसको बोल्ड कर देंगे और स्टाइल्स की चेंज करेंगे, ये हमने स्टाइल चेंज कर दी है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया है। अब ये लिखा है फॉर्मेट प्रिंटर, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी। यहां से हमने इस पर हमने क्लिक किया है, ये हमारा ब्रश का चिन्ह बनकर आ गया है कर्सर में। हम इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है और ये ऑटोमेटिक ये हमारा इसका कलर चेंज हो गया है। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट बी। जैसे हम इसको सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है कंट्रोल शिफ्ट बी। जैसे मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट बी किया, वैसे ही हमारा ये इसका कलर चेंज हो गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।